वल्लभादीश की जय। गोसाई जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय। श्री राज धरण की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं श्री हरिराय जी के बड़े शिक्षा पत्र। आज 16वां दिवस भाग 16 चौथा पत्र चल रहे हो है। तामे श्लोक संख्या 9 ते प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। एवं सती दृशे रूप रासलीलादि रूपणम विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोधा यैव हि युज्यते। शब्दार्थ कहे हैं, जब ऐसे मिश्र रूप है व्यापक कुमार पौगंड किशोर ऐसे निरूपण किए हैं, तब ऐसे रूप में रासलीलादिक निरूपण है सो विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोध के लिए ही घटे है। टीका। जो रसात्मक प्रभु कुमारिका के पास हैं सो रासलीला में वर्णन है, जो वेणु बजाए सगरे ब्रजभक्तन को बुलाए के पाछे श्री ठाकुर जी सगरे ब्रजभक्तन सो रमण कियो, तब सबन को सौभाग्य मद भयो। एक गुणातीत अग्नि कुमारिका को मद न भयो, तब श्री ठाकुर जी ये कुमारिका को लेके पधारे, पाछे उन्हों को सौभाग्य मत भयो, तब तहाँ ते अंतर्ध्यान हुए। ये गुणातीत भक्त के हृदय में पधारे, जो प्रभु हृदय में ना होए तो एक क्षण में 10वीं अवस्था मरण भक्तन की हो जाए। सो जब गुणातीत कुमारिका ने बाहर प्रकट प्रभु को ना देखे, ताही समय मूर्छा खाए के गिरी। सो प्रभु ने दो भुजासो उठाई हैं, तब वह भक्त बोली, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वाच क्वाचि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखी दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रिय, कहाँ हो कहाँ हो। हा बड़े भुजवारे, आपकी दासी और दीन मूकु हे सखी सन्निधान बताओ। तुम पास हो सुकाहे थे महाभुजाते उठाए के रक्षा जो कीनी है तो दर्शन देव। पाछे सगरे भक्त फिर पुलिन में आए के गुणगान किए, पाछे निस्साधन होए रुदन कियो, तब उन्हीं ने भीतर में थे बाहर प्रकटे, उन्हीं के भीतर में थे बाहर प्रकटे, ताते कुमारिका के पास ही प्रभु हैं और ऐश्वर्य धर्म करके सब ठौर व्यापक हैं। यह बात विरुद्ध धर्माश्रय को बोध कियो सो वैष्णव को अवश्य जानो चाहिए। इदम ही पुष्टि मार्गीयम तदैव ज्ञायते बुधै गीत गोविंद गीता गोविंद गीता गोविंदाद्य पद्ये केत देव निरूप्यते। शब्दार्थ कहें, यह पुष्टि मार्ग तत्व है सो ऐसे है, ऐसे ही बुद्ध पंडित जाने हैं। काये थे जो गीत गोविंद काव्य के प्रथम श्लोक में हूँ श्री नंद राय जी के वचन कुमार अवस्था सूचक लिखे हैं, तथा श्री स्वामी जी के संग क्रीड़ा को लिखी है सो ऐसे ही निरूपण किए हैं। टीका कहे हैं, ताँ कोई कहे जो कुमारिका के पास प्रभु क्यों वसत है, ताँ कहते हैं जो कुमारिका पुष्टि मार्गी हैं यह बुद्धि करके जान लो। कुमारिका के धर्म जैसो धर्म जब आवे तब जानिए जो पुष्टि मार्गीय धर्म आयो, ऐसो धर्म दुर्लभ है। ताते अहर्निश कुमारिका के भाव की भावना मन में करनी, दास्यत्व कियते कुमारिका की कृपाते, भाव जब हृदयारूढ़ होए तब प्रभु को अनुभव होए, यह बुद्धि में निश्चय कर कुमारिका के भाव की भावना करिए। सुश्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में उन्हीं के भाव की सेवा है, यह जान मार्ग की रीति सो सेवा करिए। श्री आचार्य जी, श्री गोसाई जी,
कि चरण कमल को आश्रय लेके उनकी भाव रूप ही पिता पुत्र को जानिए। गीत गोविंद में मानादिक विहार जयदेव ने निरूपण की सुस कुमारिका की भाव की सब लीला जाननी। यह प्रकार प्रभु कुमारिका के परवश हैं, रस के अनेक ग्रंथ हैं, सो गीत गोविंद आदि में सब आए। सो कुमारिका की लीला यह प्रकार मन में जान भावना करनी। अन्यथा नंद वचनम तादृशे युज्यते कथम, अतस्तु पुष्टि मार्गीय विशुद्ध गुण संश्रया। ऐसे ना हो तो श्री नंदराय जी को वचन प्रभु के विरुद्ध धर्माश्रय तो स्वीकार्य बिना घटे कैसे। तासो पुष्टि मार्गीय प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी है। टीका कहते हैं श्री नंदराय जी के वचन सत्य जानने काहे थे। जो गौड़ देश थे सोलह हजार कुमारिका श्री नंदराय जी कंस को देवी के लिए लाए, सोवे कुमारिका पुष्टि मार्गीय हतिताते प्रभु की सेवा में लागे। तब श्री नंदराय जी कंस को नाही दिए, कुमारिका की बहुत सराहना करी, पुत्र की सेवार्थ घर में राखी। सो श्री नंदराय जी के वचन बड़े बड़े तादृशीय सराहना करते हैं, ताते कुमारिका को स्नेह भाव श्री नंदराय जी सो अधिक है, ताते श्री ठाकुर जी कुमारिका के वश हैं। ऐसो पुष्टि मार्ग सर्वोपरि है, जहाँ में श्री कृष्ण भावात्मक रीति सो सदा विराजत हैं। सो पुष्टि मार्ग में प्रभु विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप सो विराजत हैं। अब आगे श्लोक में विरुद्ध धर्माश्रय को भाव प्रकाश कर वर्णन करते हैं। रस मार्गी ये धर्मास्तु ते बोधव्या विचक्षणे बालो रसिक मूर्धन्य सुवसोन्य वशा सदा। शब्दार्थ, विचक्षण जो चतुर पुरुष हैं तिनके रस मार्ग धर्म समझवे योग्य है। श्री ठाकुर जी बालक हैं तो वो रसिक के शिरोमणि हैं, अपने वश में हैं तो वो सदा भक्तन के वश हैं। टीका कहें रस मार्ग कर रीत में तथा मर्यादा में विरोध है और पुष्टि में विरोध नहीं, पुष्टि में विलक्षण रीत है। सो कहते हैं श्री रामचंद्र जी के अवतार में धर्म स्थापना की रीत है, ताते एक पत्नी व्रत हैं, और श्री कृष्ण अवतार में समस्त ब्रज भक्त गोप भार्या सो रमण हूँ धर्म को स्थापन है, और ठोर ठोर लोक वेद में जहाँ रसमार्ग तथा रस शास्त्र वर्णन है तहाँ धर्म मार्ग ते विरोध है। काये ते जो रस शास्त्र में परकिया रमण में अधिक रस वर्णन कियो है, स्वकिया में कछु न्यून भाव है। सो जहाँ परकिया रमण भयो तहाँ धर्म स्थापन नाही, और जहाँ धर्म स्थापन वर्णन शास्त्र में है तहाँ पर स्त्री को मन करके रमण विचारे तो हु दोष है। यह मर्यादा मार्ग की रीत है, और पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी विराजत हैं जो सगरे धर्म को स्थापन करते हैं, और समस्त ब्रजभक्तन सो रस शास्त्रोक्त रमण हूँ करते हैं, यह विलक्षणता है। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी बालक हैं, पलना झूलत हैं, और परम रसिकन के मुकुटमणि 11 वर्ष के 16 वर्ष के एक कलाव छिन्न हैं, अपने वश्य हैं, कोटानकोट भांत के कोई साधन करे और ब्रह्मादिक शिवादिक कोटानकोट वरसते साधन करते हैं, तिनको कबो दर्शन होते है। वेद नेत नेत कहते हैं काहू के वश प्रभु नाही, और सदा भक्तन के वश हैं। श्री यशोदा जी भक्ति करके बांधे हैं, सदा ब्रजभक्तन के आधीन हैं। भक्त कहते हैं सोई करते हैं, अन्यथा जानत नाही, ये विरुद्ध धर्माश्रय जानो। यहाँ चार श्लोक पूर्ण भए, यहाँ से आगे आप कल श्रवण करेंगे। सो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।